हेलो जॉट आ रहे हैं अभी लोग है ना अरे आज मैं सोच रही थी इसका सा से मैसेज करा दूंगी बट वो स्कूल में होगी तो मैंने उसको भी डिस्टर्ब करना समझा फिर हेलो रमनदीप कौर राणा जी हेलो मधु जी स्टार्ट करेंगे आज डोरिस लेसिंग को ठीक है और बहुत कुछ इनसे सीखने की कोशिश करेंगे सारा ये आज नहीं हो पाएगा ये मैं आपको क्लियर कर दूं हेलो प्रीत जी परवीन जी आ, क्योंकि इनको समझने के लिए इनका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो आज की क्लास में कम्प्लीटली बैकग्राउंड करेंगे कल की क्लास में पूरे के पूरे वर्क करेंगे ठीक है बहुत कुछ फेस किया और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं हेलो सतेंद्र कौर जी सिर्फ हम जो नाम पढ़ते हैं ना वो डोरिस लेसिंग पढ़ते हैं ठीक है इनके दो और नाम आपको देखने को मिलेंगे पूरा नाम अगर मैं कहूं तो डोरिस लेसिंग या फिर डोरिस टेलर ठीक है या फिर डोरिस मे टेलर अब ये क्या चीज है कंप्लीट नेम ये है पूरा इनका डोरिस मे लेसिंग भी यही है डोरिस मे टेलर भी यही है टेलर ये इनका फादर का सरनेम था और ये इनके हस्बैंड का सरनेम था ठीक है तो फुल नेम हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये तो पहली चीज़ हो गई हेलो मनबीर जी परमजीत कौर जी फर्स्ट चीज़ <coughs> दूसरी चीज़ जो हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है ठीक है ओरिजिनल नेम बहुत जगह डोरिस लेसिंग मिलेगा दोनों ही तीनों ही नाम सही हैं, तो नाम का थोड़ा सा कई बार ये होता है कि मिलते जुलते नाम होते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मान लो ये पूछ ले द ग्रास इज सिंगिंग जो कि इनका वर्क था ठीक है और या ये पूछ ले द गोल्डन नोटबुक या मार्था क्वेस्ट क्योंकि ये इनका वर्क था तो अगर ऑप्शन में डोरिस टेलर दे दे ठीक है तो वो भी यही आंसर होगा फोकस इशू ओहो थैंक्सू संजू यही होता है मैं ना सेट करना इसको भूल जाती हूँ अब हो जाएगा सही हाँ जी जी भी जी अब हो जाएगा सही फोकस हाँ अब अब ठीक आ जाएगा ठीक है लाइट का मैंने देख लिया था फोकस मेरे से रह गया था तो फुल नेम ये हो गया सेकंड, अभी नेशनैलिटी की मैं बात नहीं कर रही अभी पहले देख लेते हैं कि क्या क्या थी ब्रिटिश पोएट ठीक है नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर पहले चेक करना पड़ेगा इतना दिख रहा है या नहीं शॉर्ट स्टोरी राइटर स्क्रीन फ्लक्चुएटिंग हां जी परमिंदर सिंह जी अब सही हो जाएगा वो मैंने ध्यान नहीं दिया था प्ले राइट बायोग्राफर मोस्टली वर्क में इनकी ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस मिलेंगी लेकिन हर वर्क को ऑटोबायोग्राफी नहीं कहा गया ठीक है तो बायोग्राफर वो पर्सन होता है जो दूसरे की बायोग्राफी लिखता है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके अलावा एक और वर्ड मिलेगा लिबरेटिस्ट ये थोड़ा सा अलग है जानते हम सब हैं कि जब किसी वर्क में म्यूजिक का यूज किया जाता है ठीक है बाहर आपने देखा होगा मतलब वीडियोस आती है पहले तो टीवी का एड आता था कोई कंपनी ना ओपेरा की एक लेडी बहुत हेल्दी सी हैं गा रही हैं और उनकी वॉइस में इतनी ज्यादा पावर है कि जो ग्लास है ना वो ब्रेक हो जाता है तो उसे ओपेरा बोलते हैं कि बहुत ही श्रिल आवाज हुआ करती थी लोग देखना मतलब पसंद करते थे तो म्यूजिक प्लस वर्क प्लस वर्ड्स तो मतलब क्या है कि जो लिखा जाता है ना उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत सारी चीजों की रेफरेंस दी जाती है होता वर्क ही है ठीक है तो पहले ऐसा ऐड आया करता था एग्जैक्ट मुझे कंपनी तो याद नहीं है मुझे ऐसी याद आ रही कि ओनिडा हुआ करती थी शायद जिसका वो एड आता था और क्या रह गई ड्रामेटिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ड्रामेटिस्ट तो ब्रिटिश पोएट हालांकि इनका बर्थ प्लेस जो है वो पर्शिया है उसको अभी डिस्कस करते हैं लेकिन नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश ही रही पेन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पेन नेम जेन सोमर्स जेन ही है ना कभी मैंने जेम लिख दिया हो यही है दो ही वर्क आए हैं इस नाम से ठीक है ये जब वर्क कोड हम डिस्कस करेंगे ना तब भी मैं बता दूंगी <laughs> एक है डायरी ऑफ जेन सोमर्स उसका एक और नाम है एक है इफ आई क्लाउड तो दो ही वर्क हैं जो कि ये इस स्यूडोनियम के अंदर आते हैं ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जेन सोमर्स कभी कभार पूछ लेता है पेन नेम हो गया अब इनकी नेशनैलिटी की बात करते हैं फिर बहुत अच्छा बैकग्राउंड हम सोचते हैं जब आप पढ़ोगे ना इनके बारे में स्क्रीनशॉट uh, में आपको सेंड कर दूंगी तब आपको पता चलेगा इनकी नेशनैलिटी अगर आप सर्च करोगे तो नेशनैलिटी तो इनकी मिलती है कि ये ब्रिटिश रही हैं ठीक है यूके एज इट इज इंग्लैंड में क्योंकि ब्रिटिश पेरेंट्स थे लेकिन इनका जो बर्थ प्लेस है वो है पर्शिया ये डिस्कस कर रही हूं इसलिए क्योंकि आज नाम दूसरा है इनका जो नेशनैलिटी थी या जो अपब्रिंगिंग थी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है जिस तरीके की राइटिंग्स लिखती थी तो बर्थ प्लेस था पर्शिया ये भी रेफरेंस आपको मिल जाएगी बर्थ प्लेस देख लो 1919 ठीक है। फादर ने इनके फादर ने सर्व किया था वर्ल्ड वॉर वन में वर्ल्ड वॉर वन कब तक हुआ 1914 से लेकिन 1918 पर्शिया में ये लोग बाद में शिफ्ट हुए हैं पहले ये इंग्लैंड में रहा करते थे हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर वन में सर्व करते वक्त मतलब ऑन द ड्यूटी जिसको कहते हैं ना ऑन ड्यूटी जब ये रहे होंगे <laughs> इनके जो फादर थे ही लॉस्ट हिज लेग तो वो एम्प्यूटी बन गए अब क्या होता है अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड हो जाता है तो आर्मी हो नेवी हो तो उसको रखते नहीं फिर क्योंकि उनकी जो सर्विस लाइन होती है ना महज पंद्रह साल की तो सर्विस वैसे ही होती है वो भी हायर जो पोस्ट होती है अदरवाइज दस साल की भी जॉब होती है कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आठ साल की भी होती हैं तो जब ये वर्ल्ड वॉर वन में एम्प्यूटी बन गए मतलब फिजिकली चैलेंजड बन गए बिकॉज दैट पर्सन लॉस्ट हिज वन लेग उसके बाद ये शिफ्ट हुए ईरान में वहां पे बर्थ हुआ डोरेस लेसिंग का अब ये क्यों जरूरी है इसके बाद ये सेलिसबरी में शिफ्ट होती हैं वहां से इनका राइटिंग करियर स्टार्ट होता है ठीक है तो बहुत सारा बैकग्राउंड लेकिन सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा जरूरी है सीरत कह रही है बफरिंग <laughs> बफरिंग किसकी तरफ से मेरी तरफ से हेलो खुशी जी हेलो रिंकू जी बफरिंग जल्दी बताओ किसकी तरफ से बफरिंग किसकी तरफ से मेरी तरफ से नो no प्रीत की जल्दी जल्दी बताओ पर्शिया में शिफ्ट होने के बाद काम तो अब करना ही था तो फादर ने एज अ क्लर्क का काम किया एक इंपीरियल बैंक में एक्स सर्विस मैन का कोटा होता है खुशी कह रही है नो no. ठीक है जॉट ठीक है जिस जिस ने बताया ठीक है अब इसको जल्दी से देख लेते हैं पहले मदर जो है नर्स थी अब दिक्कत इस बात की थी कि जब फिजिकली चैलेंज इंसान हो गया क्लर्क की जॉब कर रहा है तो फाइनेंशियल क्राइसिस ना स्टार्ट हो गया मदर भी कमाती थी अर्निंग चलती थी ये गुस्सा किस पे उतरा ये गुस्सा उतरा लेसिंग पर ठीक है ये रेफरेंस हमें मिलती है एक लिंक में शेयर करूंगी वो ऑफिशियल पेज है डोरिस लेसिंग का होता है ना जैसे पी होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना देते हैं ऑफिशियल पेज है का, जहां पे उन्होंने अपनी स्पीच वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं पढ़ना हो तो विकीपीडिया से पहले उस चीज़ को पढ़ना ठीक है सीरत हेलो वीरपाल जी ठीक है वो लिंक मैं सेंड कर दूंगी अब नाइनटीन के अराउंड ये लोग शिफ्ट हो गए साउथ है ये साउथ रोडेशिया अब इसको आज के टाइम में बोलते हैं जिम्बाब्वे लोकेशन आपको पता है जी अफ्रीकन कंट्री है एक तरीके से मतलब कॉन्टिनेंट <laughs> बहुत बड़ा है उस जगह ये जगह है पुराना नाम इसका ये था यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद फादर ने क्या किया फादर का एक मतलब मन किया कि लैंड ऐसा है क्योंकि क्या होता है जहाँ एनवायरमेंट एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड होता है ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास है तो उन्होंने <laughs> सोचा कि फार्मिंग करते हैं अब लैंड लिया लेकिन किस किसी तरीके से वो चीजें नहीं हो पाई जो मनी क्राइसिस था ना क्राइसिस बढ़ता चला गया डॉसन की एज थी थर्टीन ईयर्स हिसाब लगा लेना मतलब 25 के अराउंड बोल रहा है कि क्राइसिस स्टार्ट हो गया जब ये 13 इयर्स की थी तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया फोर्स किया गया ठीक है अब इसमें 1919 में 13 इयर्स प्लस कर लेना तो आपको एज पता चल जाएगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से शी शीलेफ्ट स्कूल अब स्कूल लेफ्ट हो गया तो क्या हुआ कि सेल्फ स्टडी पे फोकस आ गया मोस्टली लोग आप देखेंगे तो सेल्फ स्टडी करते नहीं हैं एक और एग्जाम्पल है एक बहुत ही अच्छी राइटर है ठीक है नडीन गोडिमर नडीन गोडिमर की एक स्टोरी है माई सन्स स्टोरी पता नहीं काफ़ी यूनिवर्सिटीज लगाती हैं हमें तो लगी हुई थी ये और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी हाँ जी जिम बाबियन राइटर हाँ जी खुशी लेकिन इनको जिम्बाबियन राइटर इसलिए कहते हैं सिर्फ इनकी राइटिंग्स से ठीक है अदरवाइज तो ये ब्रिटिश राइटर ही कही जाती है जिम्बाबियन इसलिए मतलब ये तो जिम्बाबियन नहीं है नडीन गॉडी में जिम्बाबियन है ठीक है अफ्रीकन राइटर भी उनको बोलते हैं बट क्या है थोड़ा सा चिन्हवाची चीबी जैसा नहीं लिखा बींग अ फीमेल लिखा है बहुत अच्छा लिखा है सेल्फ स्टडी पे फोकस हो गया 14 इयर्स की जब ये थी तो मदर से आर्ग्यूमेंट हो गया था बिकॉज मदर वाज वेरी रिजिड ये नहीं करना वो नहीं करना होती है ना इंडियन मदर्स भी ऐसी ही होती हैं मोस्टली ऐसी होती हैं वर्ल्ड में किसी की भी बात कर लो किसी भी कंट्री की बात कर लो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स आर वेरी रिजिड इनकी भी होंगी ठीक है तो रिजिड रूल्स की वजह से फाइट होने की वजह से एट द एज ऑफ 15 शी लेफ्ट हर होम उसके बाद ये कभी नहीं गई। इंपॉर्टेंट चीज है ये पंद्रह साल का इंसान सेल्फ स्टडी पे जो फोकस करता हो ठीक है जिसकी मदर नर्स हो जिसके फादर ने एक गवर्नमेंट की तरफ से नेशन में सर्व किया हो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रेशराइज फील करने की वजह से एज अ चाइल्ड मतलब 15 इयर्स कुछ खास एज नहीं होती अगर हम आज सोसाइटी में 15 साल के लोगों को देखें ना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ट्रैक थोड़ा सा मिसलेड है खोए हुए रहते हैं कुछ नहीं पता पांच साल बाद क्या करना है दो साल बाद क्या करना है नहीं पता होता बट शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर स्टडी तो ये एज अ नर्स सर्व करती थी कह रही हैं जी हम्पाल जी कह रही हैं अच्छा जी हमपाल जी चाहे हो या ना हो ठीक है उनकी बात तो बाद में आ जाती है पहले तो इंडियन माओ की ही बात आती है ठीक है मैं भी थोड़ा सा इसी फेवर में मतलब बोलना नहीं चाहती रियलिटी सबको पता है ठीक है अब क्या बताना था इनके बारे में हाँ कि स्कूल छोड़ दिया था हाँ जी परमिंदर सिंह जी ठीक है एक लाइन इन्होंने ना अपने बारे में कही है मैं रैंडम पॉइंट क्योंकि मैंने बनाए हुए थे तो उस हिसाब से बता रही हूँ पॉइंट नंबर टेन के आसपास है नोट्स में भेज दूंगी बिकॉज इनकी जरूरत पड़ेगी आपको हर कोई उस लिंक को ना पढ़ता नहीं है आंखों पे भी जोर पड़ता है तो पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी पीडीएफ नहीं बनाऊंगी फोटोज बना दूंगी तो जरा देख लेना इन्होंने अपने बारे में ना एक लाइन कही है चाइल्डहुड में हो सकता है ये पूछ ले मिक्स ऑफ ठीक है ये अपने चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने एक लाइन कही है इससे आपको बहुत हद तक इनकी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा अनईवन मिक्स ऑफ सम प्लेजर एंड पेन मतलब पंद्रह साल के मतलब टीनेज जब रही होगी पंद्रह साल में अगर घर छोड़ दिया तो उसके बाद क्या किया क्योंकि मदर नर्स थी ना तो इन्होंने एज अ नर्स मेड सर्विस की मतलब दो या तीन साल ठीक है इन्होंने ये सर्विस की कई बार इनके प्रोफेशन का पूछ लेता है कि इन्होंने पहला जो प्रोफेशन था नर्स मेड का था यहाँ जिस ओनर के पास ये काम करती थी ना ये इंपॉर्टेंट है 1927 के अराउंड की बात हो रही है ठीक है नहीं इसके बाद की ही है इसके बाद की ही पंद्रह साल अगर इसमें ऐड कर दे तो बहुत सारे लोगों की इन पे इन्फ्लुएंस रही पहली चीज कि जिसके घर ये मतलब जो ओनर था ना जो इंप्लॉयर था जिसने इनको नर्स मेड के काम पे रखा था क्योंकि पहले तो गवर्नर्स का ही रोल हुआ करता था या जैसे मदर टेरेसा थी वो भी एज अ नर्स काम किया करती थी फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी ठीक है तो एक कैसेंड्रा करके भी थी जिन्हें नाइटेंगल बाहर का मतलब कहा जाता है फ्लोरेंस नाइट एंगल ठीक है कैसेंड्रा नाम की एक लेडी थी सेम वही आ, मतलब आ, रूट्स वही थी पाथ वही था जो मदर टेरेसा का था तो सोशल कॉज के लिए करती थी काम इनका जो ओनर था ना वो इनके लिए बुक्स लेकर आता था ठीक है जिससे कि ये पढ़ती थी अब एज एन आउटसाइडर उस टाइम कोई हेल्प कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात थी क्या क्या राइटर्स इन्होंने पढ़े इन्फ्लुएंस्ड दे देखो किससे ये सबसे ज्यादा हुई पहले डिक्कंस ऊपर लिख देते हूँ है ना ये ज्यादा सही रहेगा इंफ्लुएंस्ड की बात कर रही हूं मैं किससे ज्यादा हुई पहले डिक्कंस ठीक है उसके बाद है स्कॉट स्टीवसन स्टीविनसन एक राइटर है हमें तो नहीं पढ़ने बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डीएच लॉरेंस डॉल, लियो टोलस्टोय इनका वर्ग है कि एना कैरेना बड़ा फेमस है ठीक है ये थोड़े रशियन हो गए दोस्तो एव स्काय काफी बार ना इस वाले ईव में एक ई नहीं होता ये सेम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं तो ये कुछ राइटर्स थे इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है हाँ जी हाँ जी प्रीत जी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो आइडियोलॉजी रही होगी अभी इन्होंने डीएच लॉरेंस को मेंशन किया डीएच लॉरेंस हम सब अवेयर है किस तरीके की राइटिंग्स वो लिखते थे एना कैरिनना अगर आप लियो टोल्स टॉय की देखोगे ना तो उसमें क्या है विमेन सेंट्रिक कैरेक्टर है इनकी वाली राइटिंग्स में ये इम्पैक्ट देखने को मिला है इन्होंने डिकेंस से आइडियाज जो कहते हैं ना मतलब सोशल आइडियाज कैपिटलिज्म वाला नहीं सिर्फ सोशल आइडियाज को लिया है एक और राइटर है किपलिंग क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है टाइम इन द सेंस ज़्यादा पुरानी नहीं है 1919 से 2013 ऑलमोस्ट 94 इयर्स के अराउंड ये रही। तो ये तो वही वाले किपलिंग है जिन्हें हम रुडियार्ड किपलिंग कहते हैं खुशी कहते लेसबियन राइटर हाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें पता चलता है <laughs> बट ऑफिशियल लिखा नहीं गया है ठीक है पढ़कर ऐसा लगेगा आपको बट ऑफिशियली इनके पेज पे आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है ना इसलिए और जब तक किसी चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता बिकॉज क्या है कि ये चीज जो है लेस्बियन राइटर्स ये दरअसल ये जो टैबू इंडिया में है ना ये बाहर राइट है ठीक है अगर आप कभी सर्च करो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां एक्सेप्टेबल नहीं है, बाहर हैं बाहर चीजें हैं तो फिर जब लिखा जाता है ऑफिशियल पेज पर तो बहुत सोच समझ के कुछ चीजें डाली जाती हैं इसलिए वो वहां टेबू नहीं है यहां है तो फिर वो डाला ही नहीं है ठीक है तो ये रे राइटर्स हां जी सोखल जी ये मधु सोखल जी आई गेस ठीक है तो ये थोड़े से नाम हैं ये जरा ध्यान ध्यान रखने पड़ेंगे आपको अब बात आती है कि नाइनटीन ये पॉइंट नंबर वैसे मैंने इतने सारे पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया ना तो मैंने जो पॉइंट्स बना रखे हैं मैं पॉइंट नंबर 15 हो गया मेरे हिसाब से 1937 के अराउंड ये शिफ्ट हो गई थी एक दूसरी जगह सैलिसबरी मतलब पेरेंट्स कहां से थे इंग्लैंड से यूके से बर्थ कहां हुआ इनका ईरान में उसके बाद ये अब ऑफिशियली शिफ्ट हो रही है 1937 में सेलिसबरी क्या है ये यूके में ही एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में इसके बाद से इनका लिटरेरी लिटररी वर्क शुरू होता है इन्होंने जब से लिखना शुरू करा ना वो टाइम था 1949 1919 से लेकर 49 तक मतलब 29 39 ऑलमोस्ट 30 साल तक ऐसा आप कह सकते हो जब तक होश संभाला होगा उसके बाद लिखना स्टार्ट किया है जो बुक्स इनके एम्प्लॉयर इनको दिया करते थे मैं वहां ये डिस्कस करना भूल गई इससे पहले का जो इनका टाइम था एम्प्लॉयर जो बुक्स देता था ना मतलब एक पॉलिटिक्स पे मतलब पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बुक्स देता था और दूसरा था सोशियोलॉजी अब अगर कोई 15 इयर्स का बच्चा कमा रहा है एज अ नर्स काम कर रहा है अपनी फैमिली के तरफ नहीं गया तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कितना किस हद हाँ तक वो इंडिपेंडेंट बन गया होगा ठीक है वापस ये रेफरेंस मिलती है कभी इन्होंने फैमिली की तरफ मुड़ के नहीं देखा तो शी वॉज दैट मच हर्ट कि नहीं जाना वापस तो नहीं जाना तो एज अ नर्स मेड काम करती थी सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है और पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कर रही थी बहुत अच्छा टाइम इन्होंने अफ्रीका में बिताया थोड़े ही टाइम रही लेकिन ठीक है बहुत सारी चीजों की आपको रेफरेंस मिलेगी रेफरेंस ये कहती है इस टाइम पीरियड के अराउंड मतलब जब ये नाइनटीन ई e, ईयर्स की थी 19 ईयर्स के अराउंड क्योंकि 19 थर्टी 38 होता है ना तो 19 ईयर्स के अराउंड इनकी फर्स्ट मैरिज इन्होंने की थी ठीक है उस पर्सन से ये कहां मिली थी ऑफिशियल शादी तो 1943 में की थी लेकिन मिलना जुलना जिसको कहते हैं ठीक है ठीके? तो ऐसी रेफरेंस आपको मिल जाएगी कि 19 में इन्होंने फ्रैंक विजडम करके एक पर्सन था ठीक है तो अगर 1937 के बाद यानी कि 1938 में अगर इस पर्सन से शादी की तो ये शादी ज्यादा टाइम चल नहीं पाई इट वॉज एंडेड इन द ईयर नाइनटीन तो एज कम थी ठीक है अब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये क्यों जरूरी है बिकॉज जो लाइफ इनकी रही ना द काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी हैड फेस्ड या इनकी वजह से किसी और ने फेस की यह सब का सब इनकी बुक्स में लिखा है चाहे कोई से भी बुक उठा लो ठीक है इवन जो ऑटोबायोग्राफिकल नहीं भी है ना इनका टेक्स्ट चाहे ड्रामा भी है चाहे पोइट्री भी है सबके सब में रेफरेंस आपको मिल जाएगी इसीलिए इनको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है दूसरी चीज ये शादी नहीं चल पाई सेकंड जो इनकी मैरिज थी उससे इनपे इंफ्लुएंस ज्यादा रहा क्योंकि जो पॉलिटिकल इनका थिंकिंग था ना जो पॉलिटिकल पाथ इन्होंने अपनाया तो कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं हम उसको ठीक है अफ्रीका में भी बोला जाता होगा मतलब सेलिसबरी में तो सेकेंड मैरिज से इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में एज अ मेंबर ज्वाइन कर लिया था कम्युनिस्ट हो गया ना उसका रीजन ये है कि जो ये वाला पर्सन था ना अभी मैं इसका नाम बता देती हूं गोट फ्राइड लेसिंग गोट फ्राइड लेसिंग ये वाला पर्सन एक लेफ्ट बुक ग्रुप होता था एक नाम तो इसका ये है एक और नाम है इसका लेफ्ट बुक क्लब क्लब भी बोलते हैं इसको हाँ ठीक है तो ये क्या था ये कम्युनिस्ट जो मतलब बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल लोग हुआ करते थे ना उनका ये ग्रुप था जब इन्होंने लेसिंग ने इससे शादी की तो यहाँ से जो आइडियोलॉजी थी डोरिस लेसिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गई अब क्या हुआ इसका फ़ायदा कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए 1943 के बाद की बात है और 1943 में फर्स्ट डिवोर्स हुआ था 1949 में अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने प्रोफेशनलिज्म के तौर पर मतलब प्रोफेशन के तौर पर लिटररी वर्क कि अब से मैं प्रोफेशनल राइटर हूं तो 1943 से लेके 49 के बीच में जितने भी लोगों से ये मिली सबकी सबकी रेफरेंस इन्होंने बताई है ठीक है ये मैरिज भी अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं टिक पाई एंड नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं ठीक है तो नाइनटीन में मतलब फोर्टी में उससे हुआ था देन फोर्टी या फोर्टी सिक्स के अराउंड इनसे शादी हुई होगी फोर्टी नाइन में इनसे टाटा बाय बाय जिसको हम बोलते हैं ना कुछ पर्सनल रीजंस या इश्यूज की वजह से इसके बाद दिस पर्सन मूव्ड टू लंडन पहले ये सेलिसबेरी में ही रहती थी ना <coughs> एक चीज मैं बताना भूल गई किसी रीजन से सेलिसबेरी में जब मैंने ये कहा कि सेलिसबेरी में शिफ्ट हुई थी वहां पर इन्होंने एज अ टेलीफोन ऑपरेटर काम किया था ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना किसी ने ग्रुप पे पूछा था कि किस राइटर ने मतलब डोरे सेलेस ने क्या काम किया तो शुरुआती टाइम में एज अ चाइल्ड उन्होंने नर्स मेड काम किया था बट दो साल या तीन साल इससे ज्यादा नहीं जब होश संभाला मतलब आफ्टर मैरिज सर्वाइवल के लिए शी ऑल्सो वर्क एज अ टेलीफोन ऑपरेटर टेलीफोन ऑपरेटर का ज्यादा था हाँ जी खुशी टाटा बाय बाय किसी रीजन से हो गया ठीक है ये एज इट इज पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं बना रखे हैं पॉइंट्स वैसे कल की क्लास के भी बन गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट चीज 1949 में जब ये मतलब सेकंड फ्राइड थे उनसे डिवोर्स के बाद व्हेन शी मूव्ड टू लंडन अब लंडन में इस टाइम पीरियड पर प्रोफेशनल राइटर बन गई ठीक है अब इस बीच एक और पर्सन की यानी कि थर्ड पर्सन की भी एंट्री होती है हालांकि वो पहले भी था बट पहले वो लाइफ में ऐसा नहीं दिखा मतलब ही वॉज एन आउटसाइडर तो उसका नाम आपको मिलेगा जॉन वाइट हॉर्न मतलब वाइट भी हैं और हॉर्न भी हैं ठीक है ठीके? तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा कहा जाता है मतलब 1943 में फर्स्ट डिवोर्स हुआ था ना तो 1943 से लेकर इनके सेकंड डिवोर्स तक ठीक है वैसे तो हम कोई नहीं होते इनकी लाइफ को जज करने वाले बट दिक्कत ये है कि हमें पढ़ना है कि हमें याद रखना है इस टाइम के बीच में इस पर्सन की रेफरेंस है और कहा जाता है कि ही वर्कड विद आर ए एफ अब आर ए एफ क्या होता है रॉयल एयर फोर्स ठीक है ये यूनाइटेड किंगडम का आर्मी जिसे कहते हैं ना नेवी क्योंकि एयर है ना हमारे यहां तो एयर ही बोला जाता है वैसे तो रॉयल एयरफोर्स में ये पर्सन एक अच्छे डेजिग्नेशन पे था तो 90 लेटर्स की रेफरेंस मिलती है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स चला था दोनों के बीच 1943 से लेकर 49 मतलब फर्स्ट हस्बैंड भी था सेकंड भी था और फिर ये एज एन आउटसाइडर भी थे ठीक है तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना कि आर ए एफ ठीक है अब 1940 मतलब लास्ट चीज इनके बारे में इनकी राइटिंग स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद फिर यह चीज खत्म नाइनटीन में इंपैक्ट जिस आइडियोलॉजी के साथ ये जुड़ी थी ना पहले कम्युनिस्ट पार्टी मतलब अगर ये 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ठीक है जुड़ी थी बिकॉज ऑफ सम रीजन या 1944 में जुड़ी थी क्योंकि सेकेंड हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे वो लेफ्ट बुक क्लब के साथ जुड़े हुए थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ग्रुप काम करता था ये इंपैक्ट 54 तक खत्म हो गया इसके बाद इन्होंने सारी चीजों को लिखना शुरू करा अब बात करते हैं इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग की यहां पे इनकी पर्सनल जो बायोग्राफी एक तरीके से हमारे लिए तो बायोग्राफी ही है इनके लिए ऑटोबायोग्राफी थी फिनिश हो जाती है कि 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी से यानी कि पॉलिटिकल टर्म्स पे डिसकनेक्ट या डिटैच कर लिया अपने आपको अब राइटिंग्स जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी राइटर थी अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग की वजह से बैन करना कहते हैं ना बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे डाइस्पोरिक राइटर्स हैं कुछ एक दो को हम पढ़ेंगे भी डाइस्पोरिक राइटर्स ये एक टर्म है डाइस्पोरा जिसका मतलब ये होता है कि कोई राइटर किसी कंट्री में बाय बर्थ उसने मतलब जन्म लिया वहां किसी रीजन से नहीं रह पाया क्योंकि राइटिंग्स की वजह से ठीक है या जिसे वर्डिक्ट कहते हैं वो इशू कर दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि अब आप इस देश का पार्ट नहीं है ठीक है तो अब आप क्या कहलाएंगे अब यहां से आप एज एन आउटसाइडर कहलाएंगे तो यहां विजिट करने के लिए आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देती है तो ही आप इस लैंड पे एंटर कर सकते हैं अदरवाइज फिर क्रॉस नहीं कर सकते बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं हमारे पास इंडियन राइटर्स हैं जो कि बाहर सेटल हैं किसी रीजन से ठीक है बिकॉज ऑफ देयर ओन राइटिंग्स इनको भी बैन कर दिया गया था जो ये लिखती थी ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पहली चीज डीपली ऑटोबायोग्राफिकल ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा डीपली ऑटोबायोग्राफिकल जो जो लिखा है जो जो बैकग्राउंड में चीजें अभी चल रही थी पर्सनल लेवल पे सब लिखी है दूसरी चीज जो इमरजेंस है इनकी राइटिंग्स में अफ्रीका की मिलेगी सारी की सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है अफ्रीका के आसपास रोडेशिया और साउथ अफ्रीका क्योंकि दोनों ही जगह ऐसी थी से बैन कर दिया गया नेक्स्ट चीज पर्सनल लेवल पे जो इन्होंने लिखे हैं मतलब जो थीम्स इनको मिले हैं ठीक है चाइल्डहुड रेफरेंस में जो इन्होंने फेस किया है ना सोशल लेवल पे प्लस पॉलिटिकल लेवल पे ये इनके कंसर्न्स हैं सोशल कंसर्न्स एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स जो कि बैकग्राउंड में चल रहे थे सोशल लेवल पे अगर बात करें तो किस तरीके के माहौल में ये रहीं किस फैमिली का ये पार्ट रहीं किस तरीके का ट्रीटमेंट इन्होंने झेला पॉलिटिकल वो जब ये लिख रही थी इनको मना कर दिया गया कि आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं है किस चीज के लिए लेसिंग को निकाल दिया गया ठीक है स्टाइल ऑफ राइटिंग का ही पार्ट है इसलिए मैं अलग से नहीं बता रही जब आपके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं ना तो उसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया है कि किस चीज़ के बारे में लिखती हैं क्लैश ऑफ कल्चर दो कल्चर्स हैं आइडियोलॉजी क्लैश करती है कि हम आपको ये नहीं मानते मतलब कम्युनलिज्म हम उसको कह सकते हैं आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो वैसे ये चीजें इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती हैं क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट इन चीज़ों को फेवर नहीं करती है। होती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसा कर सकती हैं ठीक है बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक मेजोरिटी अगर बात करूं तो तो ये चीजें हैं सेकंड चीज इनजस्टिस इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ठीक है अभी कहां से आ जाता है ये रेसेस के बीच में आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक अफ्रीका में ठीक है नेक्स्ट चीज स्ट्रगल स्ट्रगल ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल बैकग्राउंड देखो 15 इयर्स की अगर गर्ल स्पेशली बॉय नहीं गर्ल ठीक है तो न्यूज में भी हम बहुत सारे इंसिडेंट सुनते हैं ना तो अगर 15 साल की लड़की मतलब बहुत यंग घर से निकल गई और उसने वापस मुड़ के नहीं देखा एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रही है तो और ऐसी जगह जहां पे कि ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट चलता है तो उसको तो स्लेव भी बनाया जा सकता था ठीक है एक हैरियट जैकॉब नाम के पर्सन है मतलब अगर सर्च करोगे ना तो हैरियट जैकॉब द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल ये इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक पर्सन की रेफरेंस है उस लड़की ने अपने आप को एक वाइट से बचाने के लिए सात साल ध्यान से सुनना हैरानी ये होते है, होती है सात साल उसने जैसे जगह होती है ना छोटी सी आप अलमीरा रखते हो या आप आप बेड लगाते हो थोड़ी सी जगह बच जाती ना मतलब सात साल उस इंसान ने एक घर में अपने आप को वहां छुपा के रखा था ज्यादा स्पेस नहीं था मतलब इतना ही स्पेस होगा और ये रियल इंसिडेंट है, ठीक है तो ऐसे भी रेफरेंसेस हमारे पास हैं तो सुनने में अजीब लगता है बट ट्रू इंसिडेंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल अब दो चीजों का और कॉन्फ्लिक्ट बताती हैं पहला कि जो इंडिविजुअल चाहता है वर्सेज सोसाइटी हमेशा से चलता है ये हर सोसाइटी में होता है ये इंडिविजुअल जो चाहता है सोसाइटी को कुछ हद तक एक्सेप्ट नहीं होता बिकॉज सोसाइटी का एक अपना फ्लो रहता है ठीक है तो कॉन्फ्लिक्ट इनकी राइटिंग में दो देखने को मिलेंगे एक जो इंडिविजुअल चाहता है एक वो जो सोसाइटी चाहती है चार पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बैकग्राउंड ज्यादातर जो सेटिंग है ठीक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सेटिंग सारी अफ्रीका के मिलेगी एरियाज बदल जाएंगे जैसे जॉर्डन हो गया अफ्रीका हो गया नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका हो गया ठीक है जिम्बाब्वे हो गया जिसे हम आ, पहले रोडेशिया कहते थे तो कॉन्सेप्ट यही है कि सेटिंग अफ्रीका की है और अफ्रीका में क्या है रेशियल इश्यूज जो कभी रहे होंगे वही है वाइट वर्सेस ब्लैक ठीक है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी दूसरे को ट्रीट करती है लास्ट चीज 1956 में होता है ना बहुत ज्यादा आउट स्पोकन होते हैं बहुत सारे लोग बोल देते हैं अब बोलना अच्छी बात है लेकिन हर बार सामने वाला उसको पॉजिटिव ही ले ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है तो शी वॉज करेजियस आउट स्पोकन तो इनकी इस आउट स्पोकननेस की वजह से जो भी इश्यूज इन्होंने अपनी नॉवेल्स में लिखे ना जो मैंने अभी यहां डिस्कस की स्टाइल ऑफ राइटिंग में इसकी वजह से 1956 में ऑफिशियली जिसे कहते हैं ना साउथ रोडेशिया जिसे कि हम जिम्बाबे कहते हैं प्लस साउथ अफ्रीका इन दो कंट्रीज ने होल लाइफ के लिए बैन कर दिया कि अब आप नहीं आ सकते हां जी खुशी ब्लैक ठीक है तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस राइटर को बैन कर दिया गया तो साउथ रोडेशिया में और साउथ अफ्रीका में 1956 में इनको बैन कर दिया गया था तो ये था इनका बैकग्राउंड ठीक है अब वर्क तो मेरे को लगता है कि कल ही डिस्कस करने चाहिए ठीक है ज्यादा लेंदी आज मैं करना भी नहीं चाहती क्योंकि क्या है थोड़ा सा गेस्ट आएंगे आज इसीलिए मैं भी थोड़े से काम में ना बिजी हो गई थी ये है वो बुक बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और झूठ हम बोलते भी नहीं ठीक है अगर सच पूरा नहीं बोलते तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते ये रही बुक दिख रही है द गोल्डन नोट बुक डोरिससिंग का नाम आपको दिख रहा है ना हाँ हाँ जी परमिंदर सिंह जी ये जो एडिशन है ये वर्ल्ड व्यू एडिशन है पेपर बैक आपको लग रहा होगा कि बड़ी मोटी किताब है बट उतनी ही हल्की है बहुत ही हल्की और प्यारी बुक है इस बुक की खासियत ये है कि ये एक अकेली ऐसी बुक है जिसमें कलर में डिवाइड किया गया है ठीक है इस बुक को ऑफिशियली चार कलर्स में डिवाइड किया गया है ब्लैक रेड येलो एंड ब्लू वैसे ये बुक का स्क्रीनशॉट जब मेरे ख्याल पंद्रह से बीस दिन हो गए हैं चैनल के ऑफिशियल ग्रुप पर किसी ने मतलब जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर किसी ने पूछा था दो क्वेश्चन डाले थे इन्हीं के रिगार्डिंग तब मैंने ये सेंड किया था मैं फिर से सेंड कर दूंगी अच्छी चीज जो इस बुक के बारे में ये है कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे ना डोरेस लेसिंग के वो कलर में डिवाइड किए ब्लैक येलो रेड एंड ब्लू चार पार्ट देन चार पार्ट फिर चार पार्ट और बीच बीच में क्या आता है आइडिया ऑफ फ्री वेमेन फ्री वेमेन का आइडिया वैसे ही 1956 से पहले लिखी गई है ठीक है एक जो बनता है फ्री वेमेन पे क्वेश्चन बनता है फ्री वेमेन या आज समझ लो या आज समझ आ जा जाएगा कल शायद ना आए उसका रीजन ये है आज इसके बारे में अभी ताजा ताजा जाना है ना वैसे तो पढ़ के बैठे होंगे लेकिन फिर फिर वही होता है कि वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं तो फ्री वीमेन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है फ्री फ्रॉम एवरीथिंग नो बॉन्डेज नो रूल्स नो रिस्ट्रिक्शन। जब आप रेड पढ़ेंगे बुक ब्लैक पढ़ेंगे येलो पढ़ेंगे और ब्लू पढ़ेंगे अलग अलग एक्सपीरियंस बताए हैं लेकिन जो फ्री बुक है ना दो कैरेक्टर इसमें एक है एना बुल्फ जो इनका खुद का कैरेक्टर हम कह सकते हैं एक है मौली का कैरेक्टर तो दोनों की दोनों ही फ्री वेमेन हैं और बताया है कि इनको कोई बच्चों की मतलब जब ये बुक आप पढ़ोगे ना तो इनको लगेगा बहुत केयर फ्री हैं अपनी लाइफ पे फोकस करती हैं हस्बैंड की नो चिंता एक्स हस्बैंड की नो चिंता लवर्स की नो चिंता मतलब इन शॉर्ट फ्री मतलब फ्री फ्री फ्रॉम एवरी टेंशन कि भाई जिसको खाना होगा बनाना होगा रहना होगा अपने आप कर लेंगे तो ये फ्री वेमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना ये लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज बैकग्राउंड डिस्कस करना था कर लिया एक चीज मुझे और बतानी है इनके बारे में वो ये एक सेकंड रुको अभी मुझे पता है ये मेरा ही बंदर है मेरा ही भाई था कुछ मांग रहा होगा तो ऐसा हॉरन बजा रहा था पाँच पाँच करके इनकी नॉवल्स हैं ठीक है एक सीरीज नॉवल जिनको हम कहते हैं अब इनकी ब्यूटी क्या है कल हम डिस्कस करेंगे ये। पहली जो सीरीज आई है उसमें जो पाँच नॉवल्स है, हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नेक्स्ट जो पाँच नॉवल्स हैं मतलब फिर से सीरीज है उसमें क्या है कि उसमें सेम ही कैरेक्टर चलता है आपने बहुत सारी जगह कैरेक्टर पढ़ा होगा मार्था क्वेस्ट क्वेश्चन ठीक है नॉवल की बात नहीं कर रही मैं सिर्फ एक कैरेक्टर कभी कभार किसी पेपर में पूछ लिया जाता है कि मार्था क्वेस्ट का कैरेक्टर क्या है ये जो सीरीज आई थी ना नॉवल की इन पांच नॉवल्स में एक ही कैरेक्टर है जिसके आगे पीछे की स्टोरी है अब आप ये कहोगे सीक्वल मान सकते हैं हाँ जी मान सकते हैं कि पांच नॉवल्स हैं एक कैरेक्टर है स्टोरी ये है एक बुक में सोशल है देन पॉलिटिकल है फिर अपनी पर्सनल लाइफ है ठीक है क्या फेस किया उसके बारे में है तो ये जो चीज़ें हैं मतलब वर्क जो हैं अच्छा प्रीत गिल जी ठीक है ठीक है प्रीत गिल जी जो कंटेम्प्रेरी एज का अगर वीडियो आपने बनाया है ना तो उसको ग्रुप पे डाल देना ठीक है फिर से दोबारा पोस्ट कर देना जो लोग नए जुड़े हैं क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं हैं ठीक है किसी रीज़न से क्योंकि आज मंडे है ऑलरेडी नवरात्र आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बिजी होंगे तो बाद में देखेंगे शाम को मिलूंगी नौ बजे क्वेश्चन के साथ संडे ऑफ था वर्क हम कल करेंगे वर्क कल करेंगे एक बार बैकग्राउंड जरा देख लेना नोट्स अभी भेज दूंगी उनको भी पढ़ लेना ठीक है तो अभी के लिए टाटा बाय बाय रेस्ट करो आप और पढ़ भी लो आनंद क्या कह रहे हो नमस्कार कि ग्रामर वीडियो इलेवंथ के लिए ठीक है ठीक है आनंद मैं बना दूंगी ठीक है देखती हूँ होपफुली फिर आपका नंबर इलेवंथ क्लास का संडे आएगा ठीक है मैंने सोचा जाते जाते कमेंट कर लिया क्योंकि क्या होगा कि तीन घंटे की स्ट्रीमिंग मैंने लगा नहीं रखी बारह घंटे की स्ट्रीमिंग है तीन घंटे की स्ट्रीमिंग हो सकती है लेकिन क्या है पिक्सल्स फट जाएंगे तो बारह घंटे की स्ट्रीमिंग है तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जाते जाते रिप्लाई कर दूं बिकॉज फिर टाइम नहीं होगा हेलो एकता जी ठीक है आनंद मैसेज भी कर देते व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देना वैसे तो मुझे ध्यान रह जाएगा मैं बना दूंगी टेंशन मत लो ठीक है चलो जी अब बाय बाय